वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे सारा अली खान की, उर्फी जावेद की, और नहीं पता किसकी किसकी। वैसे ना यार मुझे इस वक्त तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि अभी चैनल थोड़ा डाउन है। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा डाउन है। तो तुम वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइट कैमरा एक्शन नहीं बल्कि लाइट कैमरा ओवर एक्शन कहो या फिर लाइट कैमरा नेपोटिज्म। इसका फैशन देखकर ऐसा लग रहा है ना कि अभी के अभी उर्फी जावेद के 10-12 वीडियो देखकर आई हो। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? एक्चुअली सारा अली खान में क्यूटनेस है, इनोसेंस है, मासूमियत है, डमनेस है, लेकिन कोई स्किल नहीं है। गजब बेइज्जती है। एंड द ओनली रीजन कि बॉलीवुड में इसके पास काम है क्योंकि इंडस्ट्री में इसके बाप का नाम है। यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया। इट्स टू मच। बट आई लाइक दैट, दैट्स इज सो जेन्युइन, सो क्यूट, नो एरोगेंस, नो एटीट्यूड, नॉट लाइक मेजॉरिटी एक्ट्रेस। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ना गाइस, हमेशा की तरह इस बार भी उर्फी जावेद मीडिया के सामने आई कुछ ऐसे कपड़ों में। पहले बार यार उर्फी के कपड़ों से ज्यादा ध्यान उसके मेकअप पे गया। ऐसा लग रहा है यार कि जल्दी जल्दी में लिपस्टिक के जगह नेल पॉलिश या फिर इंक को लगा के आई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी जहरीले नाग ने इसे जादू की पप्पी दे दी हो। क्या बोलता है, कुछ भी बोलता है। इसने एक्चुअली शर्ट की स्लिप का टॉप बना लिया, शर्ट को पैंट बना लिया। काश बॉलीवुड में अपना करियर भी बना लेती। इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है। बढ़िया रनी बैस, क्या कारीगरी है। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। आज तक उर्फी कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी तरीके से अपनी बॉडी ढकती थी। आज पहली बार अपना ठोपड़ा ढक लिया। वैसे अच्छा किया कि ढक लिया क्योंकि वैसे भी दिखाने लायक नहीं है। वैसे ये चेहरा छुपा रही है या फिर चेहरे के आर पे पिंपल छुपा रही है? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और गाना कौन सा बजा रही है? दर्दे डिस्को। इवन कैप्शन में भी लिखा हुआ है, अगर गलती से भी कांच के उस टुकड़े से गलती से भी अगर तुम्हारे बॉडी में कट लग गया ना तो सर्च में दर्द से डिस्को करना पड़ेगा। पिछले 2-4 महीने में मैंने उर्फी जावेद के इतने रील्स देख लिए कि यार अब स्ट्रेंजर थिंग्स देखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब इससे ज्यादा वो क्या ही स्ट्रेंज दिखा देंगे। अब जय के सही फूटी। वैसे यार मानना तो पड़ेगा, मेहनत तो करती है। अरे उर्फी नहीं, उर्फी की टीम। अच्छा, रिसेंटली इसके टीम ने 1000 सिम को ऐसे जोड़ जोड़ के उसका ड्रेस बनाया और इस पूरे मेहनत का रिजल्ट निकला ये। चलो यार अच्छा है, इसकी कोई तो ऐसी वीडियो निकली जिसे हम पूरे फैमिली के साथ कंफर्टेबली देख पाएंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। कभी कभी मेरे को लगता है ना कि जितना मेहनत उर्फी की टीम उसके कपड़ों पे करती है, अगर उतना ही मेहनत उसके एक्टिंग पे किया होता तो आज ये एज एन एक्टर फेमस होती। अच्छा, वैसे फेमस तो अभी भी है पर रोस्ट होने के लिए। इमोशनल टाइम। ओके, उर्फी की एक और ड्रेस। ओ भाई, घड़ी पहन के आई है। मैंने यार आज तक उर्फी को कितने सारे ड्रेसेस का आइडिया दिया पर यार ये ड्रेस तो दिमाग में आया ही नहीं। जहाँ घड़ी होनी चाहिए वहाँ तो है नहीं। जनरली लोग टाइम देखने के लिए हाथ उठाते हैं, ये सर झुकाएगी। किसी को यार पूछने में भी शर्म आएगा कि दीदी टाइम क्या हुआ है। शर्म आ रही है। एनीवे गाइस, उर्फी जावेद को हटाओ, अभी हम देखने वाले हैं उर्फी जावेद की तरह कुछ अतरंगी, कुछ वियर्ड से रील्स। हम अगर लड़का होते तो सब सही होता ना। क्यों? कोई कुछ सवाल नहीं करता। अच्छा, सिगरेट पीता है? अरे भाई नहीं पीता मैं। देर रात बाहर घूमता है? नहीं घूमता भाई मैं। है कि नहीं? मेरे को घर में मार पड़ती है। लड़की होना ना डिजास्टर है एकदम। अच्छा बेटे रुक, तेरे को बताते। अगर लड़के होते ना तो ना वीडियोस पे इतने सारे कमेंट्स आते और ना ही इतने सारे लाइक्स। और भाई देखो, ना ही लड़की होना आसान है और ना ही लड़का होना। अगर लड़का हुआ यार तो बड़ा होकर फैमिली का टेंशन,
करियर का टेंशन, लव का टेंशन और लव को पाने के लिए करियर जल्दी बनाने का टेंशन, आधी जिंदगी तो यार टेंशन में बीत जाती है। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है कि चप्पल अगर टूट जाए तो जूं अच्छा। नहीं पाती, और पापा की परी मोटी हो जाए तो कभी उड़ नहीं पाती। बंसी बनू। अच्छा बेटे, चप्पल अगर टूट जाए तो मोची जोड़ देता है, तेरे जैसे बच्चे को मार मार के बाप वही चप्पल तोड़ देता है। ओके ओके, टूटी हुई मिरर कभी जुड़ती नहीं, टूटी हुई मिरर कभी जुड़ती नहीं, और पापा की पड़ी पतली हो या फिर मोटी कभी उड़ती नहीं। और आग लगा दी। इतना छोटा बच्चा यार बॉडी शेमिंग कर रहा है। माना अगर पापा की परी मोटी है तो क्या हुआ, डाइटिंग करके पतली हो जाएगी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? एक बात बताइए, आपको गाड़ी चलाने की तमीज ही नहीं है तो गाड़ी क्यों चलाते हैं आप? अच्छा, आपको सड़क पर चलने की तमीज नहीं है तो घर पे क्यों नहीं रहती हैं आप? आपको बात करने की तमीज नहीं है तो खामोश क्यों नहीं रहते हैं आप? तुम दोनों को एक्टिंग करने की काबिलियत नहीं है तो एक्टिंग क्यों करते हो आप? रील बनाने की काबिलियत नहीं है तो क्यों बनाते हो आप? एक्चुअली रील बनाने की काबिलियत तो है, पर बकवास वाली। इमोशनल डैमेज। वो जो अपनी पड़ोसन है ना, आज ना उसे साड़ी पहन रखी थी और पता उसकी कमर पे कितना बड़ा दाग है। कितना? वो गुप्ता जी की बीवी? हाँ। अच्छा, टैटू है वो। राहुल गांधी के लैंग्वेज में ऐसे ही कहते हैं, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। गुप्ता जी के कमर में भले ही टैटू हो लेकिन तुम्हारे कमर में दाग होगा, वो भी गहरे काले रंग का। रंग दे तुम है गेरुआ, जाना तेरी यादें मुझे सोने ही नहीं देती, लेटे लेटे इस बिस्तर पे कब हो जाता है सवेरा मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। मैं तो यार पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा कि तेरे सर पे विमल खा के किसने थूका। बोलो जुबा केसरी। बंदे की एक्सप्रेशन देखकर पक्का लग रहा है यार कि रील बनाना इसका परमानेंट काम नहीं है, पक्का रात में किडनैपिंग उडनैपिंग कुछ तो ये करता है। एंड हिज वीडियो इज लाइक किसका मालिक पूछ रहा है कि भाई चोरी का बच्चा कहाँ है, और ये कह रहा है मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। When someone asked me रील बना के क्या उखाड़ लोगी, लेटे लेटे इस बिस्तर पे कब हो जाता है सवेरा मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। मैडम कोई नहीं पूछेगा कि तुमने रील बना के क्या उखाड़ लिया, क्योंकि तुम्हारा कमेंट सेक्शन ऑफ है। Oh my God! और रील बना के तुमने एक चीज तो उखाड़ा है, तुम मेरे रोस्ट वीडियो में आ गई। भाई रोस्ट वीडियो में आके लोग खतरों के खिलाड़ी में जा रहे हैं, रोहित शेट्टी से मिल रहे हैं, मतलब और क्या चाहिए। बोलो बोलो। अरे तेरा फोन आ रहा है। ओ, कौन सा? तेरे फोन पे कॉल आ रहा है। अच्छा भाई, पहले तूने खुद कहा कि फोन आ रहा है और जब लड़की थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई तो झाप लगा दिया। आराम से भी यार बता सकता था। मेरे को लगता नहीं यार कि आजकल औरतों में हाथ उठाना भी कॉमेडी हो गई है। This is so humiliating! ये क्या हुआ भाई, पीछे मुड़ के ये देखा, फिर से लड़की वापस आ गई। अबे ये टकरा गया। हुआ क्या भाई, क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने क्या किया, सच में कुछ समझ नहीं आया। पहले जब लड़का गया तो लड़की दूर हट गई, एंड देन लड़की फिर से वापस आ गई। कैसा? जैसे वीडियोस की कैटेगरी होती है ना, फनी वीडियो, एजुकेशनल वीडियो, टेक्निकल वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, वैसे ही इन वीडियोस के लिए भी एक कैटेगरी होनी चाहिए, इलॉजिकल वीडियोस। मोदी जी भी ऐसे वीडियोस देखने के बाद कहेंगे मजा नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है, लड़का फोटो क्लिक कर रहा है, लड़की को रुकवाया, किसने रुकवाया भाई? ओके, फोटो क्लिक करवाने के लिए रुकवाया, ये लड़की क्या कर रही है? इसने तो यार नंबर दे दिया। ये तो यार बड़ा नायाब तरीका है लड़कियों को पटाने का, रोड पर जाकर लड़कियों से फोटो क्लिक करवाओ, अगर एक दो ने भी नंबर दे दिया तो भाई बहुत बढ़िया, वरना वही फोटोज को इंस्टाग्राम पर डालकर इंस्टाग्राम की लड़कियों को इम्प्रेस करो। और एक चीज तुमने नोटिस की, लड़की ने यहाँ पर सिर्फ 5 नंबर दिया, लगता है टोनी कक्कर की बहुत बड़ी फैन है। नंबर लेके 98971, नंबर लेके 98971, उसके आगे डम डी का डम डम डम। हाय, कितना खूबसूरत है। वाकई कितना खूबसूरत है। हाँ हाँ भाई, बहुत बहुत खूबसूरत है, पर ये दोनों नहीं, इन दोनों का बैकग्राउंड। अमेजिंग। बैकग्राउंड की खूबसूरती के पीछे कारीगर रिस्पॉन्सिबल है,
और इनकी खूबसूरती के पीछे इंस्टाग्राम का फिल्टर। हाय। तो चलो यार डैड इज इट फॉर टुडे। यार वीडियो को प्लीज से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो क्योंकि सच में चैनल को बूस्ट करने की जरूरत है। वीडियो का बेस्ट पार्ट तुम्हें क्या लगा वो कमेंट करके बताओ। एक घंटे के अंदर जितने भी कमेंट्स आएंगे सबको मैं रेट तो पक्का करूंगा, लाइक तो पक्का दूंगा और रिप्लाई भी करूंगा, प्रॉमिस। इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।